हेलो फ्रेंड्स, गेमिंग रामू यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। तो फिर फ्री फायर के अंदर जो 4 लाख लाइव वॉचिंग का जो रिवॉर्ड आप लोगों को सब देखने को मिला है, ये चारों रिवॉर्ड के अंदर से आप लोग एक रिवॉर्ड ले सकते हो और ये जो रिवॉर्ड ले सकते हो ये टोकन के मदद से ले सकते हो। तो ये जो टोकन कैसे मिलेगा इसके ऊपर मैं फुल वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो। इस वीडियो के आई बटन पर लिंक मिल जाएगा या मेरे चैनल पर जाके भी देख सकते हो। बट हम इस वीडियो के अंदर ये सब बात नहीं करने वाले, इस वीडियो के अंदर बताने वाले ये जो रिवॉर्ड है ए रिवॉर्ड के अंदर से तो आप एक रिवॉर्ड ले सकते हो। तो एक जो रिवॉर्ड लोगे वो कौन सा रिवॉर्ड लोगे, कंफ्यूज है बहुत सारे, कमेंट कर रहा हूं एक वीडियो बना दो जो ये चारों आइटम के अंदर से कौन सा रिवॉर्ड सबसे अच्छा रहेगा या हम लोग जो रिवॉर्ड लेने वाले और रिवॉर्ड सबसे अच्छा कौन सा है तो एक वीडियो बना दो। तो हम इस वीडियो के अंदर यही बताने वाले जो ये चारों रिवॉर्ड के अंदर से कौन सा रिवॉर्ड सबसे अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो इसलिए वीडियो को बड़ा एंड तक देखना, चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, पास में जो बेल आइकन है उसको भी ऑल पर सिलेक्ट कर देना, ऐसे फ्री फायर की इवेंट एंड अपडेट के बारे में सबसे पहले जानने के लिए। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं, आप लोगों को टोटल आप लोगों को चार रिवॉर्ड मिले। सबसे आप लोगों को वन फिंगर पुशअप इमोट मिला है, उसके बाद आप लोगों को स्काइलर कैरेक्टर मिला है। कैरेक्टर का एबिलिटी की बात आएंगे क्या इसका एबिलिटी है। नेक्स्ट आप लोगों को ये वाला मतलब जो पेड मिला है जिस पेड का जो एबिलिटी है ग्रेनाइट या ग्लूवाल बहुत दूर तक फेंक सकता है। नेक्स्ट आप लोगों को ये M4N का गन का स्किन मिला है। टोटल आप लोगों को चार रिवॉर्ड मिला है। तो फर्स्ट से बात कर लेते हैं, सबसे पहले इमोट। तो ये वाला इमोट फ्री फायर के अंदर ऑलरेडी आ गया था और सबको फ्री में भी मिला था। तो आप लोग इमोट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, या आपके पास चार इधर से तीन जो रिवॉर्ड देखने को तीन रिवॉर्ड है बट सिर्फ इमोट नहीं है तो आप लोग इमो ले लेना। ऐसा चार रिवॉर्ड बिल्कुल भी मत लेना, ये इमो ले लेना। या समझो आपके पास स्काइलर कैरेक्टर है या किसी भी टाइप का एक कैरेक्टर एक से जो रिवॉर्ड है और रिवॉर्ड नहीं है और तीन रिवॉर्ड है तो आप जो रिवॉर्ड नहीं है वही क्लेम करना है। या आपके समझो आपके पास दो रिवॉर्ड है और दो रिवॉर्ड नहीं है, समझो M4N का गन का स्किन है या ये वाला जो पेड है तो और दो रिवॉर्ड नहीं है, समझो दो रिवॉर्ड नहीं है आपके पास कोई भी है दो रिवॉर्ड नहीं है तो आप लोग क्या करना है, तो दो रिवॉर्ड के अंदर से कौन सा रिवॉर्ड अच्छा रहेगा वो हम इस वीडियो के अंदर बता देंगे। तो सबसे पहले इधर से इमोट की बात कर लिया, उसका स्काइलर कैरेक्टर। तो कैरेक्टर का एबिलिटी के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले ये जो स्काइलर कैरेक्टर है इस स्काइलर कैरेक्टर का एबिलिटी है एक ग्लूवल मतलब यूज करने पर इसका HP बढ़ेगा। जी हाँ गाइस, HP बढ़ेगा। टोटल कितना HP बढ़ेगा ये इसका कैरेक्टर के अंदर जाने के बाद आप लोगों को बता पाऊंगा। सबसे पहले कैरेक्टर सेक्शन के आने वाला है, उसके बाद इससे स्काइलर कैरेक्टर इधर देखने को मिल जाएगा और स्काइलर कैरेक्टर का जो एबिलिटी होने वाला है ये टोटल 5 ग्लूवल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं मतलब तोड़ सकता है, समझ रहे हो ना। मतलब एक एक्टिव स्किल कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर का एक्टिव स्किल जैसे यूज करेगा एक मतलब आग जैसा निकल जाएगा और ग्लूवल तोड़ देगा ऐसा कुछ हो मतलब बहुत सारा देखता है ये जो कैरेक्टर कैसा यूज होता है तो जानता है। तो एक कैरेक्टर ऐसे ग्लूवल तोड़ देगा, उसके बाद एक ग्लूवल यूज करने पर एचपी देगा। तो HP कितना देगा इधर से दिखा रहा है, HP 9 देगा। तो पार मतलब ग्लूवल से एक मतलब 3 9 9 करके HP बढ़ेगा और पूरा 100 मीटर तक इधर से ग्लूवल को तोड़ सकता है, मतलब बहुत दूर से ग्लूवल को तोड़ सकता है, 5 ग्लूवल तोड़ सकता है इसका एबिलिटी है। तो HP भी मिलेगा और ग्लूवल भी तोड़ेगा, ये इसका एबिलिटी है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, आप लोग को जो पेड़ देखने को मिला जो इधर से ये वाला जो क्या ये वाला पेड़ है, तो ये वाला जो पेड़ है ये वाला की हेल्पिंग पेड़ ये वाला जो पेड़ है ये पेड़ का एबिलिटी है ग्रेनाइट या जो मतलब ग्लूवल है ग्लूवल और ग्रेनाइट को बहुत दूर तक फेंक सकता है। और मैं इधर ये जो पेड़ है पर्सनली यूज करता हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को यूज करने में क्योंकि मैं ग्रेनाइट फेंकता हूँ या ग्लूवल भी बहुत दूर तक फेंक सकता है, समझ रहे हो। तो उसके बाद नेक्स्ट M4A1, तो M4A1 का जो एट्रीब्यूट है रेट ऑफ फायर डबल एक्यूरेसी सिंगल मूवमेंट स्पीड माइनस, मतलब रेट ऑफ फायर डबल मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा चलेगा, बहुत ज़्यादा तेज गोली निकलेगा इसके अंदर से, एक्यूरेसी सिंगल मतलब गोली रिकॉइल नहीं करेगा और मूवमेंट स्पीड में उतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो चारों रिवॉर्ड है चारों रिवॉर्ड का जो एबिलिटी है एबिलिटी के बारे में बता दिया तो नॉर्मल से आप लोग को पता चल गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है आप लोग को चारों रिवॉर्ड के अंदर से कौन सा रिवॉर्ड लेना सबसे अच्छा रहेगा, तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपके पास M4A1 का गन का स्किन नहीं है और स्काइलर कैरेक्टर या तीनों रिवॉर्ड है तो आप लोग हमेशा M4A1 का गन का स्किन ले लेना। समझो आपके पास स्काइलर कैरेक्टर और M4A1 का गन का स्किन नहीं है और जैसे जो एक मतलब एक पेड और जैसे इमोड है दो रिवॉर्ड है बट जैसे M4A1 का गन का स्किन नहीं है और स्काइलर भी नहीं है, तो दोनों रिवॉर्ड के अंदर से कौन सा रिवॉर्ड लेना सबसे अच्छा रहेगा, तो सबसे अच्छा रहेगा M4A1 का गन का स्किन लेना। क्योंकि स्काइलर कैरेक्टर आप लोग लेते हो तो अभी गेम के अंदर उतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्काइलर कैरेक्टर उतना यूज नहीं होता है, अभी गेम के अंदर यूज होता है बहुत ज्यादा भूकंप कैरेक्टर और क्रोनो, दो कैरेक्टर सबसे ज्यादा यूज होता है, एक जो स्काइलर कैरेक्टर यूज उतना नहीं होता है। और आप लोग ये गन्स का स्किन लोगे तो गेम के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा खासा फर्क पड़ेगा क्योंकि आप लोग सबके पास ही मतलब बहुत अच्छा अच्छा गन है, तो आप लोग M4A1 का गन का स्किन लोगे तो ये रेट ऑफ फायर डबल है बहुत अच्छा खासा चल जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ M4A1 का गन का स्किन लेना सबसे अच्छा रहेगा। तो आपका मर्जी, आप जो चाहो ले सकते हो।
तो उसके बाद नेक्स्ट आप लोग को ये जो हेल्पिंग हैंड बोल के जो पेड है, ये पेड और जैसे जो इमोट है, ये दो रिवॉर्ड के अंदर से समझो आपके पास एक रिवॉर्ड नहीं है या एक दो रिवॉर्ड नहीं है, तो दो रिवॉर्ड के अंदर से कौन सा रिवॉर्ड सबसे अच्छा रहेगा? तो दोस्त सबसे अच्छा रहेगा इमोट लोगे तो, क्योंकि बॉस अपन का इमोट नहीं रहता है तो बॉस अपन चिराता है, इसलिए आप लोग नॉर्मल सा इमोट ले सकते हो। और आप लोग ग्रेनाइट कुक करना चाहते हो या ग्लूवल बहुत दूर से यूज करना चाहते हो तो नॉर्मल सा ये वाला पेड़ भी ले सकते हो। और आप लोग ग्रेनाइट अच्छा खासा फेंक सकते हो, एनिमी को ग्रेनाइट से मारना चाहते हो तो ये वाला पेड़ ना आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्रेनाइट बहुत दूर से फेंक सकता है। और मैं पर्सनली यूज करता हूँ, मैं आप लोग को पहले ही बता दिया, बहुत ओपी कैरेक्टर ओपी पेड़ है यार, सच में बहुत ज्यादा ओपी पेड़। तो आप लोग को समझ में आ गया कौन सा पेड़ या कौन सा रिवॉर्ड सबसे लेना सबसे अच्छा रहेगा। इसके अंदर से दो ही रिवॉर्ड सबसे बेस्ट है, स्काइलर और इधर से M4A1। तो दोनों के अंदर से जो भी रिवॉर्ड लेना आपका मर्जी, तो दोनों ही सबसे अच्छा है, तो आपका मर्जी, आप जो चाहो ले सकते हो। बट जो लेने वाले हो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना और दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। तो गाइस वीडियो इतना था, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, मिलता नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।